आप लोग को क्लासेस के लिए जो बुलाया है उसमें मेन टॉपिक ही बताना है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के तहत। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के तहत जो मेन मेन टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको हम क्वेश्चन बताएंगे। ऐसे बुक का सारा क्वेश्चन बता चुके हैं लेकिन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के तहत आपको वही क्वेश्चन बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है। ऐसे बुक का सारा क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं लेकिन लेकिन हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो ध्यान से बताएंगे, ठीक है। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के तहत हमारा जो चैप्टर है सबसे पहले बताएंगे इशू ऑफ शेयर से। इशू ऑफ शेयर में इशू ऑफ शेयर, तो इशू ऑफ शेयर जो होता है ये किसी भी कंपनी द्वारा शेयर को इशू करने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जब भी शेयर इशू होता है तब पता है प्रोसेस एट पार होता है, प्रीमियम होता है, ठीक है। परचेज करने की कंडीशन होता है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल। तो इसके तहत हम लोग का टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है एक है ओवर सब्सक्रिप्शन। अगला टॉपिक है मेरा इसमें इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन। अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट इसमें एरियर एडवांस, एरियर और एडवांस। अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है फॉर फ्यूचर एंड रेशियो, फॉर फ्यूचर एंड रेशियो। तो सभी के तहत एक क्वेश्चन बताएंगे ध्यान से, ये सिर्फ इशू ऑफ शेयर है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन से पहले ओवर सब्सक्रिप्शन टॉपिक जो है जिसको हिंदी में कहते हैं अधिलाभ, क्या कहते हैं सर? अधिलाभ। तो पहला क्वेश्चन होता है भाई ये ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है सर? शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कंपनी के द्वारा, किसी भी कंपनी के द्वारा जब शेयर इश्यू किया जाता है, किसी भी कंपनी के द्वारा जब अंशों को निर्गमित किया जाता है और उस कंडीशन में कंपनी को उन शेयर से अधिक अंश प्राप्त होते हैं, उन शेयर से अधिक अंश प्राप्त होते हैं जितने उन्होंने जारी किए गए, जितने उनके द्वारा जारी किए गए उससे अधिक प्राप्त होता है। तो जितना मोर देन अधिक प्राप्त हो रहा है वो हमारा कहलाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। एग्जाम्पल जैसे एक्स लिमिटेड कंपनी है 10,000 शेयर इश्यू कर रही है, कितना शुरू करें लेकिन उसको प्राप्त हो रहा है 15,000 से, 15,000 शेयर। तो भाई उसको मैक्सिमम कितना प्राप्त हुआ? 5,000। तो जो 5,000 उसको प्राप्त हो रहा है वो कहलाएगा मोर ओवर सब्सक्रिप्शन। इस ओवर सब्सक्रिप्शन का यूज हमेशा हमेशा एप्लीकेशन में ही होता है, सर। लेकिन यदि अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट फंड बोलना है प्रश्न में तो वहां पे यूज करेंगे अलॉटमेंट या फर्स्ट फंड, लेकिन इसका बेसिकली यूज क्या होता है? एप्लीकेशन। तो जब एप्लीकेशन होता है तो उस कंडीशन में पैरा एंट्री आपको पता है, पहला एंट्री एप्लीकेशन का होता है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर गुड बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड। दूसरा एंट्री होता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट रिसीव्ड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू लिखेंगे बैंक। ये जो बैंक ही कह रहे हैं सर, ये बैंक ही मेरा ओवर सब्सक्रिप्शन है, ये बैंक ही मेरा क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या सर? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के तहत इसका यूज क्या क्या करेंगे? बैंक करेंगे। क्या करेंगे सर? अगला एंट्री करेंगे अलॉटमेंट करेंगे सर। तो अलॉटमेंट का एंट्री होता है इक्विटी से अलॉटमेंट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी अलॉटमेंट अकाउंट। बाकी फर्स्ट का एंट्री सेम होगा, फाइनल एंट्री भी हमारा क्या होगा? सेम होगा। अब इस कंडीशन में क्वेश्चन है, ध्यान देखेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड कंपनी है जिसके पास 1,00,000 रुपीज ऑथराइज कैपिटल है, एसी मतलब ऑथराइज कैपिटल, जिसके पास खुद का कैपिटल है। अब कंपनी क्या कर रहा है? 10,000 शेयर जो है वो इश्यू कर रही है, क्या कर रही है? और रेट दिया है 10, कितना दिया सर? जिसमें से एप्लीकेशन का रेट दिया है 3 रुपीज और अलॉटमेंट दिया है 7 रुपीज, कितना दिया सर? पर शेयर बोला है 15,000 शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड 15,000 से क्या क्या एप्लीकेशन रिसीव किया। यहाँ पे ऑल नहीं बोला, ऑल अगर कहता तो सारा क्वेश्चन 15,000 से बनेगा, लेकिन यहाँ बोला हुआ है एक्सेस, एक्सेस
5000 शेयर रिजेक्टेड रिजेक्टेड टू एप्लीकेशन टू। तो यहां पे कंडीशन जो 5000 शेयर बढ़ रहा है 5000 शेयर जो बढ़ रहा है इसका यूज करेंगे हम एप्लीकेशन। क्या करेंगे सर? फाइल करेंगे सर एप्लीकेशन। तो जब एंट्री करेंगे तो पहला एंट्री करेंगे 15000 से 15000 इंटू 3 45000 डेबिट 45000 यहां पे लिखेंगे 45000 लेकिन यहां पे बनेगा 10000 से 10000 इंटू 3 कितना हो गया 30000 कितना हो गया हमारा बढ़ा कितना था 5000 तो ये हो गया 15000 कितना हो गया सर। बाकी अलॉटमेंट के एंट्री करें तो करेंगे 10000 इंटू 7 और चौथा एंट्री जो बैंक वाला करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से लौटा और वहां भी करेंगे 10000 इंटू 7। तो ये सिंपल क्वेश्चन हुआ। अब यही क्वेश्चन में मान लीजिए कहता हमारा मान लीजिए क्वेश्चन कहता हमारा कि 1 लाख रुपीज है 10000 से इशू किया 10 इंच एप्लीकेशन दिया 3 रुपया अलॉटमेंट दिया है हमारा 5 रुपया और फर्स्ट एंड फाइनल दिया है 2 रुपया कितना दिया सर बोला है कि 15000 शेयर एप्लीकेशन रिसीट एप्लीकेशन रिसीट एप्लीकेशन रिसीट किया है एप्लीकेशन क्या किया सर रिसीट किया है। क्वेश्चन बोला हमारा है कि एक्सेस 3000 शेयर रिजेक्टेड टू अलॉटमेंट कहा किया एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन कहा किया सर रिजेक्ट कर रहा है एप्लीकेशन भी और रिजेक्ट पहले क्या कहा अलॉटमेंट कहा किया सर अब बाकी कहा गया तो कहने का मतलब है जो 5000 बढ़ रहा है कितना से बढ़ रहा है उस 5000 में 3000 लेना है अलॉटमेंट कौन लिया सर और बाकी रिमेनिंग कितना बचा जो कौन लेगा। तो जब एंट्री करेंगे उस कंडीशन में करना क्या है पहला एंट्री कोई दिक्कत नहीं है सर पहला एंट्री वही होगा दूसरा एंट्री लिखेंगे इक्विटी से कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट क्या लिखेंगे सर लाना तो 45000 कितना लाना है लेकिन बनाएंगे इसको 10000 पहले तो 10000 तो 3 कितना हो गया सर 30000 यहां पड़ा हमारा 3000 अलॉटमेंट लिया तो 3000 तो 3 कितना हो गया अगला कितना हो गया 2000 कितना हो गया 6000 कितना हो गया सर मतलब इस कंडीशन में आपका पैसा अलॉटमेंट ले रहा है और एप्लीकेशन में जब हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे इसकी एंट्री करेंगे सर अलॉटमेंट एंट्री होता है इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल अकाउंट वहां पे करेंगे 10000 इनटू 5 जब चौथा एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट तो वहां पे क्या करेंगे 50000 रुपीस में क्योंकि यहां पे कितना होता है सर 15000 डेबिट 50000 वहां पे क्या करेंगे 9000 क्या करेंगे सर क्योंकि जो यहां पे ओवर दे चुके हैं एप्लीकेशन में वो हम अलॉटमेंट क्या करें सर तो बचेगा 41000 देन 41000। अब अगला जब कंबाइन करेंगे फर्स्ट फाइनल तो एंट्री करेंगे इक्विटी से फर्स्ट फाइनल टू कैपिटल अकाउंट वहां लिखेंगे 10000 इनटू 2 और अगला एंट्री भी करेंगे तो करेंगे 10000 इनटू 2 कोई दिक्कत तो बेसिकली ये हमारा था ओवर सब्सक्रिप्शन क्या था सर ओवर सब्सक्रिप्शन। तो जैसा ये ओवर सब्सक्रिप्शन था अब फिर जाते हैं टॉपिक कंसीडरेशन। तो ध्यान रखेंगे अगला टॉपिक है मेरा कंसीडरेशन। तो ये कंसीडरेशन होता है क्या सर इसको हम बोलते हैं हम हिंदी बोलते हैं प्रतिफल क्या होता है सर तो प्रतिफल मतलब होता है वो वैल्यू जिसके आधार पे किसी गुड्स को परचेज करते हैं जब किसी भी गुड्स को परचेज करते हैं उसके बदले में जो आप पेमेंट देते हैं चार्जेस उस चार्ज बोलते हैं कंसीडरेशन चार्ज।
कंसल्टेशन। तो कभी कभी कंपनी क्या करता है, जब शेयर इशू करता है कंपनी द्वारा, जब से इशू करता है तो उस दौरान कंपनी क्या करता है, कुछ एसेट्स को परचेज भी करता है। क्या सर? तो पहला प्रोसेस होता है परचेज का, क्या होता है सर? परचेज। तो परचेज जब होता है तो इसका एंट्री होता है एसेट्स कॉन डेबिट टू वेंडर अकाउंट, नरेशन होता है डिंग एसेट परचेज अकाउंट वेंडर अकाउंट। दूसरा होता है डिपोजिट का, डिपोजिट का एंट्री तब करते हैं जब डिपोजिट बोलेगा, तो जब तक क्वेश्चन डिपोजिट नहीं होता एंट्री, तो डिपोजिट का एंट्री होता है वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। डिपोजिट के बाद अगला एंट्री करते हैं एट पार का, एट पार जो होता है ये एंट्री फिक्स होता है, क्वेश्चन बोले ना बोले एट पार एंट्री फिक्स है। एट पार का एंट्री होता है हमारा यहाँ पे होगा वेंडर टू कैश होगा सर, वेंडर टू कैश। एट पार का एंट्री होता है हमारा वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन होगा बीइंग इक्विटी शेयर इशूड एट पार, है ना, बीइंग वेंडर इशूड एट पार, वेंडर इशूड एट पार। अगला होता है प्रीमियम का, किसका होता है सर? प्रीमियम। इसका एंट्री होता है वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम का बीइंग वेंडर इशूड एट प्रीमियम। अगला होता है डिस्काउंट एंट्री, इसका एंट्री तो डिस्काउंट का एंट्री होता है वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये हुआ आपका परचेज का, डिपॉजिट का, एट पार का, प्रीमियम का, डिस्काउंट का, ये एंट्री करेंगे। अब एक क्वेश्चन सिंपल सा बोला क्वेश्चन कि एक्स लिमिटेड परचेज कर रहा है एसेट्स और एसेट का दाम है 4 लाख रुपीज, कितना दाम है सर? फ्रॉम वाई लिमिटेड, फ्रॉम एक्स जो एसेट खरीद रहा है वाई से ले रहा है, कितना है? 4 लाख रुपीज, कितना सर? क्वेश्चन में साफ साफ बोला है, क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि 20,000 रुपीज डिपोजिट भेजा, क्या कर दिया? प्रश्न बोला है इक्विटी शेयर इशूड एट द रेट ऑफ 10 ईच, क्या बोला है? 10 ईच। प्रश्न में एट पार बोला है, प्रश्न में एट प्रीमियम बोला है कितना परसेंट? 25%। और प्रश्न में एट डिस्काउंट बोला है 5%, कितना परसेंट? तो प्रश्न में यह साफ साफ बोला है कि जो एसेट खरीदा है उसका दाम है 4 लाख, कितना? यहाँ लिखेंगे 4 लाख डेबिट, 4 लाख कोई दिक्कत? जमा बोला है तो करेंगे, जमा बोला है 20,000, तो बोला सर तो 20,000 डेबिट देन 20,000। अब अगला क्या करेंगे सर? एट पार एंट्री, तो 4 लाख में 20 चला गया, कितना बचा? 3,80,000, 3 लाख। तो एट पार एंट्री करेंगे, अगर प्रश्न नहीं बोलता तो भी एट पार करेंगे, उसी अमाउंट से प्रीमियम डिस्काउंट निकलेगा। तो जब प्रीमियम की एंट्री करते हैं तो यहाँ लिखेंगे 3,80,000 वेंडर की अमाउंट है, कैसे निकलेगा प्रीमियम? कंपनी का जो रेट है कितना है? 10 ईच है, परसेंटेज कितना? 25%। ये काटेंगे लेकर 2.5। अब नियम होता है कि 10 में 2.5 छोड़ दें कितना होगा? 12.5। 3,80,000 में 2.5 जोड़ना करेंगे सर, अब 12.5 क्या करेंगे सर? ये निकलेगा 76,000, निकला। यहाँ प्रीमियम लिखेंगे 76,000, क्लियर? अब इक्वल नहीं है, इसको इसमें क्या करें? माइनस करें, निकलेगा 3,04,000। जब डिस्काउंट करेंगे तो एंट्री हो गया, कैसे निकलेगा? ये लिखेंगे 3,80,000, 3,80,000। डिस्काउंट कैसे निकलेगा? कंपनी के 10 ईच है, कितना ईच है? तो 10 का 5%, कितना परसेंट? निकलेगा 0.5। डिस्काउंट माइनस होता है तो बचेगा 9.5। अब 3,80,000 में 0.5 गुणा करेंगे और 9% डिवाइड करेंगे,
ये कार्ड क्या है हमारा 20,000 रुपए, कितना है सर? 20,000। यहाँ लिखेंगे 20,000, जोड़ देंगे कितना होगा सर? 4,000 है ना। तो ये हुआ एट पार का प्रीमियम और डिस्काउंट। सबसे पहले परचेज की एंट्री किए, दूसरा हम लोग के डिपोजिट का, तीसरा किया एट पार और डिस्काउंट। ऑथराइज कैपिटल है 5,00,000 रुपीज। बोला हमारा कि डिवाइडेड 50,000 रुपीज या ऑथराइज बोला 5,00,000 रुपीज। बोला हमारा कि परचेज एसेट्स लिया है 3,00,000 रुपीज, कितना लिया सर? 3,00,000 रुपीज। और 20,000 शेयर इश्यू कर रहा है, क्या कर रहा है? इसका रेट दिया है 10, कितना रेट दिया सर? 5 लाख हो गया सर, 3 लाख लग रहा। बीजर इश्यू के कितना है? 10, 2 लाख 3 तो 5 लाख हो गया। अब हमारा रेट दिया है, एप्लीकेशन दिया है तो अलॉटमेंट 3, फर्स्ट भी 3 और फाइनल दिया 2। तो दिक्कत प्रश्न में यह साफ साफ बोला है कि 500 शेयर नॉट पेड किया है या 500 शेयर पेड किया है। 500 शेयर पेड किया है हमारा फर्स्ट एंड फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल। और 100 शेयर फिर पेड किया है फाइनल कॉल, कहां सर? फाइनल कॉल। बोला जनरली, क्या बोला सर? तो यहां पे गौर कीजिएगा कि 500 पेड कर रहा है कहां? फर्स्ट एंड फाइनल। तो आपको पता है एडवांस सबसे पहले होता है, तो सर तो ये 500 कहां से लाएगा सर? किस रेट से? 3-5 रेट से, 3-5 मतलब इसमें प्लस होगा अलॉटमेंट। अलॉटमेंट बोला नहीं है सर, यहां पेड बोला है फर्स्ट टाइम, लेकिन फर्स्ट होने से कहां जाएगा सर? इसमें प्लस होगा, दोनों माइनस होगा। फिर बोला 100 पेड के कहां? तो फिर फाइनल का पैसा पेड कहां करेंगे? फर्स्ट। मतलब करेंगे, मतलब है कि इसमें प्लस करेंगे कितना? 500। इसमें आप प्लस करेंगे कितना? 100। और माइनस करेंगे कितना सर? 500। कितना सर? 500। इसमें आप माइनस कितना करेंगे? 600। कितना सर? 500 पहले वाला। और 100। तो जब एंट्री करते हैं तो पहले एंट्री होता है बैंक, पहले परचेज की एंट्री है सर। तो परचेज का एंट्री होता है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। 3,00,000 डेबिट, 3,00,000 क्रेडिट। परचेज के बाद एट पार का एंट्री जरूर करेंगे, क्योंकि अगर बोला नहीं फिर भी एट पार करेंगे। एट पार का एंट्री होता है वेंडर अकाउंट डेबिट, इसे मिक्स है कंसीडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर यहां भी लिखेंगे 3,00,000 और 3,00,000। जैसे ही होगा एंट्री, अगला एंट्री करेंगे हम लोग एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यहां लिखेंगे 20,000 × 2 है ना। दूसरा अगला एंट्री होता है एप्लीकेशन का ट्रांसफर का कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां भी लिखेंगे 20,000 × 2 है ना। जब अलॉटमेंट करेंगे तो करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां करेंगे
20,000 × 3। लेकिन अगला जो एंट्री करेंगे, अगला एंट्री वो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर और टू कॉल इन एडवांस। कॉल इन करना क्या है, सबसे पहले यहां लिखेंगे 20,000 × 3 कितना 60,000, एक्स्ट्रा दे रहे थे 500, तो 500 था किसका, फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम 3 × 2 = 5 हुआ, 3 + 2 = 5 हो गया, तो हो गया 2500, कितना हो गया, ये होगा 62,500 है ना। जब हम एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल एंट्री, तो फर्स्ट कॉल एंट्री होगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, वहां पे करेंगे 20,000 × 3। लेकिन जब बैंक का करेंगे तो यहाँ पे एडवांस भी हो रहा है और एरियर हो रहा है, एडवांस हो रहा है 100 और एरियर कितना हो रहा है 500, तो यहाँ दोनों पुट करेंगे, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल करेंगे सर बैंक अकाउंट कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू कॉल इन एडवांस। कॉल इन सबसे पहले क्या करना है, गौर करेंगे, सबसे पहले भाई एरियर कितना होगा 500 × 3 = 1500 जो हम दे चुके थे, जो हम एडवांस पहले करते हैं, यहां लिखते कैपिटल पहले, तो कैपिटल लिखेंगे 20,000 × कितना रेट था 3, बेच दिया एडवांस दिए थे 100 था फाइनल का, कितना रेट है 2, तो 100 × 2 कितना हो गया 200, अब माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो 60,200 में जाएगा 1500, 58,700 यहां बैलेंस बचेगा 58,700 को देखा, यहां पे आपका एरियर भी और अगर आप एरियर नहीं पुट करते हैं तो डायरेक्टली या माइनस कर दीजिए, डायरेक्टली क्या कीजिए 20,000 में 100 माइनस कर दीजिए, 500 माइनस कर दीजिए 19,500 कितना करेंगे, अब जब फाइनल एंट्री करेंगे एंट्री होता है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो वहां लिखेंगे 20,000 × 2। लेकिन जब इसका बैंक एंट्री करेंगे क्या करेंगे सर, तो बैंक एंट्री बिना एरियर का कर सकते हैं, यहाँ एरियर दिखाएं, बिना एरियर कैसे करते, देखिए सर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, करना कुछ नहीं है, 20,000 में पहले का 500 अब बाद का बचेगा 19,400 इंटू कितना हो गया 2, 4 × 8 = 38,000 और यदि आप एरियर शो करना चाहते हैं यदि कॉल इन एरियर और डायरेक्टली पूरे 20,000 शो कर दीजिए, 20 से पूरा करना चाहिए और एरियर कितना है 600 है ना, अगर एरियर पुट कर करते हैं तो कैसे करेंगे सर, इसी एंट्री को ये एंट्री की ये एंट्री कर सकते हैं, एंट्री क्या करेंगे सर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फाइनल यहां लिखेंगे 20,000 × 2 कितना लिखेंगे 40,000, यहां कितना नहीं दिए 600 नहीं दिए, तो 600 × 2 कितना हो गया सर 1200, यहां बचेगा 38,000, यहां देखिए बैंक कितना है, यहां बैंक कितनी है ना, मेरा मतलब बैंक से किसे, तो ये कंडीशन हमारा है। अगला हमारा टॉपिक है फॉर फ्यूचर एंड रीइशू, तो आप पता होना चाहिए कि रीइशू तभी होता है जब फॉर फ्यूचर होता है, फॉर फ्यूचर कंडीशन में कंडीशन होता है हमारा कि फॉर फ्यूचर बेसिकली अलॉटमेंट यूज होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन यूज होता है एप्लीकेशन से, और फॉर फ्यूचर यूज होता है अलॉटमेंट फर्स्ट टाइम, तो जब भी फॉर फ्यूचर होता है तो अलॉटमेंट फर्स्ट या फाइनल किसी तीनों को जब करता है तो तीनों के बैंक में क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है, जब फॉर फ्यूचर करते हैं तो उस कंडीशन में फॉर फ्यूचर का एंट्री होता है
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल और टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर। और पीछे बात करते हैं रीइशू करते हैं, रीइशू की एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फॉर्चे अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद लास्ट एंट्री करते हैं हम लोग इक्विटी शेयर फॉर्चे अकाउंट डेबिट कैपिटल प्रेजेंट। तो इसमें दो तीन कंडीशन है। कंडीशन नंबर वन, सबसे पहले मान लीजिए हमारा क्वेश्चन रहेगा एक्स लिमिटेड 25,000 इक्विटी शेयर इशू एट द रेट ऑफ 10 इंच, एप्लीकेशन दिया है 2, अलॉटमेंट 3 और फर्स्ट फाइनल 5। बोला हमारा कि 500 शेयर फॉर फ्यूचर एट द रेट ऑफ 9 रुपीज, कितना बोला सर? नहीं, 500 से फॉर फ्यूचर फर्स्ट एंड फाइनल, फर्स्ट एंड और रीइशू जो दिया है उसका रेट दिया 9 रुपीज, कितना दिया सर? अब यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ 10 इंच है, रेट बांट दिया है 2, 3, 5। यहाँ प्रश्न में साफ साफ बोला है कि 500 जब क्या है कहाँ? फर्स्ट एंड, तो जहां जब करता है वहां माइनस कर देंगे। तो जब एंट्री करेंगे तो पहले एप्लीकेशन एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट, लिखेंगे 25,000 इंटू कितना लिखेंगे? मान लीजिए अगला क्वेश्चन होगा इक्विटी से एप्लीकेशन टू कैपिटल अकाउंट, यहां लिखेंगे 25,000 अलॉटमेंट करेंगे इक्विटी से अलॉटमेंट टू कैपिटल अकाउंट, यहां लिखेंगे 25,000 टू, यहां एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट, तो जब क्या फंक्शन, तो 25,000 टू 3। जब हम एंट्री करेंगे फर्स्ट वन कंबाइंड तो वहां एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कौन इस फर्स्ट फाइनल को आप शॉर्ट में लिखते हैं, सिर्फ फाइनल कॉल लिख सकते हैं, अगर दोनों नहीं देते हैं ना तो सिर्फ फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं, फाइनल दोनों आ गया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कौन अकाउंट करना क्या है सर? 25,000 शेयर में कितना किए सर? 500 बचेगा 19,500, 19,500 गुणा करेंगे 5 तो निकलेगा 25,5 और ये हो गया हमारा 75, नहीं सर 25 45 47 हाँ 97,500। ये हमारा एंट्री हुआ एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का फर्स्ट एंड। अब अगला एंट्री करेंगे फॉर फ्यूचर का, किसे करेंगे सर? तो फॉर फ्यूचर यहाँ कर रहा है किसको? फर्स्ट एंड, तो इसका एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू जब क्या फाइनल, इक्विटी शेयर क्या लिखेंगे सर? फर्स्ट एंड फाइनल। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक किए थे, यहाँ पे डायरेक्टली करेंगे 25,000 इंटू 5, गुड। लेकिन जब छठा एंट्री करेंगे बैंक एंट्री, तो बैंक में ही माइनस करते हैं और गलती से वहां पुट कर देते हैं, तो बैंक एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो यहाँ क्या करेंगे 25,000 में 500 चला गया तो बचेगा 24,500 इंटू क्या करेंगे, तो यहाँ निकलेगा हम लोग का 1,22,500। अब हम एंट्री करेंगे सातवा फॉर फ्यूचर का, किसे करेंगे सर? अब फॉर फ्यूचर में केवल शो करेंगे इसको फर्स्ट एंड, तो एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट और टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। करना कुछ नहीं है, यहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे 25,000
थाउजेंड इंटू नहीं ट्वेंटी नहीं जब क्या फाइव हंड्रेड ना यहाँ लिखेंगे फाइव हंड्रेड इंटू टेन जो क्या फाइव थाउजेंड इतना हो गया यहाँ हो जाएगा फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव हंड्रेड तो फॉर्मूला कितना निकला पच्चीस सौ कितना निकला अब अगला एंट्री करेंगे रीशूट का किस करेंगे सर रीशूट का एंट्री फिक्स होता है बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कैपिटल करना क्या है यहां लिखेंगे 500 इंटू रीशूट का रेट दिया है 9 रुपीस ना दी सर यहां लिखेंगे 9 ये निकलेगा 4500 यहां लिखेंगे 5 इंटू 10 कितना 5000 यहां कम कितना हो रहा है तो फॉर फ्यूचर निकला 2500 और रीशूट कितना निकला फॉर फ्यूचर 2500 रीशूट लास्ट में जब एंट्री करेंगे नौवे एंट्री तो एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कैपिटल करना क्या है 2500 में 500 क्या करेंगे सर निकलेगा 2000 डेबिट और 2000 यहां कंडीशन गौर कीजिएगा जितना में फॉरफीचर है उतना में रिशू है मतलब 500 से फॉरफीचर हुआ है 500 से क्या हुआ है रिशू हुआ है क्लियर अगला इसी में क्वेश्चन चेंज करते हैं हम जहां देखेंगे मान लीजिए इस क्वेश्चन में रीशूट का रेट देता है 11 कितना देता है 11 और प्रश्न में कुछ नहीं रीशूट रेट क्या रेट दिया है कितना दिया सर 11 तो करना क्या है ध्यान सुनिए सर सारा एंट्री सेम होगा सारा एंट्री चेंज करेगा आठ एंट्री से यहाँ पे रीशूट 9 की जगह कितना हो गया सर 11 तो जहां 9 लिखे हैं वहां कितना हो जाएगा सर 11 तो ये हो गया 5500 यहाँ है 500 इंटू 10 5000 अब कंडीशन देखिए डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है डेबिट ज्यादा है क्रेडिट और नीचे कम होता है तो लिखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम क्या लिखते हैं सर कितना कम है यदि ऊपर कम है तो फॉरफीचर है और नीचे कम है तो यहाँ क्या करना है 2500 जो फॉरफीचर है उसमें नील माइनस करनी अगला रिशूट तो यह नहीं है यहाँ कितना बचेगा 2500 डेबिट 2500 बस कंडीशन एक सब चीज है एक वर्ड चीज है नाइन जगह कितना हो गया मेरा क्लियर अगला मान लीजिए इसी क्वेश्चन में कह देगा कि फॉर पीछे 500 से फर्स्ट वन रीशूट रीशूट 300 शेयर एट द रेट ऑफ 9 रुपीज कितना है सर 9 यहां कंडीशन चीज है फॉर फ्यूचर क्या 500 से फॉर फ्यूचर कितना किया सर 500 से और रीशूट कितना किया 300 से कितना सर तो दोनों शेयर लगे तो फॉर फ्यूचर 500 से सही है सर यहां तो सही है ये 720 सही है फॉर फ्यूचर तक फॉर फ्यूचर कितना किया सर हां क्या फर्स्ट टाइम यहां पे शो कर दिए फर्स्ट टाइम वैल्यू 500 से कोई दिक्कत अब रीशूट बनेगा वो बनेगा 300 से किस बनेगा सर 300 एंट्री तो ये होगा एंट्री ये होगा बैंक ऑन डेबिट फॉर फ्यूचर ऑन डेबिट टू कैपिटल अकाउंट यहां लिखेंगे 300 गुने 9 और यहां लिखेंगे 300 इंटू 10 तो ये होता है 3000 ये होता है 2700 कितना होता है कितना हमारा रीशूट निकला 300 कितना निकला 300 क्लियर 300 इंटू 9 9 और 300 इंटू 10 क्लियर अब करना क्या है पहले कर देते इसमें से घटा देते घटाना
क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर फ्यूचर और रीशूट का शेयर अलग अलग है। तो जब फॉर फ्यूचर और रीशूट से अलग होता है तो इंटीग्रल होता है, लेकिन फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है फॉर फ्यूचर अमाउंट इंटू रीइश्यूड शेयर बटा फॉर फ्यूचर शेयर। फॉर फ्यूचर तब फॉर फ्यूचर अमाउंट है 2500, कितना है सर? रीइश्यूड शेयर है 300 और फॉर फ्यूचर से कितना है 500। तब 5 से काटेंगे 5 बार, मतलब 5 दिया, अब 1500 किसको माइनस करेंगे? 300। कितना बचा? 1200 डेबिट, 1200 क्रेडिट। हम लोग का टॉपिक जो है वो डिबेंचर है। और डिबेंचर जो होता है जिसको हम कहते हैं ऋण पत्र, ये ऋण पत्र होता क्या है? एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जिसके आधार पे कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के बीच एक एग्रीमेंट होता है, क्योंकि उसी डॉक्यूमेंट के आधार पे उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उस कंपनी को प्रोवाइड किया जाता है लोन। ठीक है, तो किसी भी कंपनी को लोन लेने का प्रोसेस जो होता है उस प्रोसेस के माध्यम क्या होता है? मीडिएटर। ऋण पत्र ऋण ऋण को प्राप्त करने का एक प्रमाण पत्र होता है। ऋण पत्र ऋण को प्राप्त करने का एक प्रमाण पत्र होता है। जब तक ऋण पत्र नहीं होता है, जब तक एक स्टेटमेंट है डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हैं, तब तक आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन लोन प्रोवाइड नहीं करता है। गुड, एक पर्सन लेता है कर्ज तो लोन कहलाते हैं, कंपनी लेता है तो डिबेंचर कहलाता है। तो डिबेंचर के तहत सेम इक्विटी शेयर का जो प्रोसेस है सारा इंटरव्यू सेम होगा, सेम कंडीशन होता है, ओवर सफिशिएंट सेम होता है, एरिया एडवांस सेम होता है, कंसल्टेशन। लेकिन बसरते क्या है कि जहां पे हम लोग शेयर लिखते थे वहां डिबेंचर लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? अभी आपको जो 4-5 क्वेश्चन बताए वहां पे जहां जहां इक्विटी शेयर है वहां से हम डिबेंचर पुट करते हैं। यदि परसेंटेज हो तो परसेंटेज शो करके शो करें, उस परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज को 6% डिबेंचर हो तो लिखेंगे बैंक ऑन डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन। मतलब सेम क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिबेंचर पुट करना है। लेकिन इसके तहत सबसे वांटेड क्वेश्चन जो बताए थे आपको हम बताने वाले हैं, डिफरेंट टर्म्स ऑफ रिडंसन ऑफ डिबेंचर। मतलब रिडंसन डिबेंचर के तहत मतलब क्या कहा गया है कि किसी भी कंपनी द्वारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जब लोन प्रोवाइड किया जाता है, लोन दिया जाता है, तो उस डिबेंचर का भुगतान भी किया जाता है, पेमेंट किया जाता है, उसको हम कहते हैं रिडंसन ऑफ डिबेंचर। वो पेमेंट करने का प्रोसेस जो होता है डिफरेंट होता है। जैसे पहला कंडीशन होता है डिबेंचर इशूड एट पार रिपेबल एट पार, दूसरा होता है डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम रिपेबल एट पार, तीसरा होता है डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट रिपेबल एट पार, चौथा होता है डिबेंचर इशूड एट पार रिपेबल एट प्रीमियम, अगला होता है डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट रिपेबल एट प्रीमियम, अगला होता है डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट रिपेबल एट प्रीमियम। इस कंडीशन के तहत तो उस कंडीशन में दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका है फेस वैल्यू 100 करके और एक आपका क्वेश्चन है, ध्यान देखेंगे सर। तो मान लीजिए हमारा क्वेश्चन रहेगा फाइंड जनरल एंट्री रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन फेस वैल्यू 100 रुपीज। अब क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन ए बोला है डिबेंचर इश्यूड 100 रुपीज रीपेबल 100 रुपीज। दूसरा बोला है डिबेंचर इश्यूड 100 रीपेबल आपका बोला है 110। तीसरा बोला है डिबेंचर इश्यूड 110 रीपेबल 100। अगला बोला है डिबेंचर इश्यूड 100 रीपेबल 95। क्या बोला?
बोला है हमारा डिवेंचर इशूड, नहीं चार ही क्वेश्चन है, ये चार क्वेश्चन है। अब ये चारों क्वेश्चन का सबका सेम एंट्री होता है प्रोसेस में, ठीक है। पहले हम चारों एंट्री का सेम एंट्री कर देंगे, उसके बाद पुट करेंगे कहां पे कहां डिस्काउंट है। तो पहला एंट्री हम लोग का बैंक अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर। गौर कीजिएगा जब एंट्री करते हैं तो आप यहां स्पेस यहां स्पेस छोड़ देंगे, ठीक है। फिर सेम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट। फिर एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर। फिर एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर। क्वेश्चन में एंट्री करने के बाद देखेंगे फेस वैल्यू 100 है, कितना सर 100। तो जहां जहां डिवेंचर लिखा हुआ है, जहां जहां क्या लिखा हुआ है वहां आप 100 रुपीज लिखेंगे, कितना लिखेंगे सर 100। क्वेश्चन में जितना फेस वैल्यू उतना लिखेंगे, क्लियर। 100 लिखने के बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला बोला डिवेंचर 100 रिकवेबल, तो जो पहला कंटेंट बोला है डिवेंचर 100, तो हमेशा पहला अमाउंट ऊपर ही लिखेंगे। तो पहले बोला है डिवेंचर 100, अब बाद में 100 पहला बन गया, हाँ। दूसरा बोला है डिवेंचर 100, अगला बोला 110 बोला है 100, तो नीचे 10 कम है, तो नीचे 10 कम है, तो लिखेंगे 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कौन अकाउंट सर डिवेंचर अकाउंट। फिर ऊपर कम हो गया सर, तो लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, कितना क्लियर। अगला बोला है डिवेंचर इश्यू 110 रिकवेबल 100, तो यहां होगा 110 कितना होगा 110, नीचे बता 100 तो नीचे कम हो गया, तो लिखेंगे 2 सिक्योरिटी लिखे सर। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा कि डिवेंचर इशूड 100 है, कितना सर 100, और रिकवेबल कितना बता रहा है 95, कितना बता रहा है सर 95। तो गौर कीजिएगा यहां पे क्वेश्चन में लिखे सर, चौथा क्वेश्चन जो हमारा है ये है 105, कितना सर 105, और ये हमारा है रिपेबल, हमारा हो गया नहीं, ये हो गया हमारा 105 और ये हो गया 100, कितना हो गया सर 100। एक मिनट, यहां पे हमारा है एक मिनट से, ये बता रहा है आपका 95 और इतना दे रहा है, ये क्वेश्चन है। अब नीचे तो 100 फिक्स हो गया, यहां ऊपर के अमाउंट 95 फिक्स है, ये जो अमाउंट है ये सबसे पहला अमाउंट होता है, सबका पहला, सबका पहला अमाउंट। अब ऊपर कम हो गया सर, कितना कम है 5, नीचे कम होता क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम, और ऊपर कम होता लिखते हैं डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, कितना कम हो गया 5, है ना, है ना जी सर। उदित गत, ये क्वेश्चन बहुत वांटेड है, बहुत वांटेड है। डिवेंचर चैप्टर के तहत एक क्वेश्चन था डिफरेंट टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के तहत, जो हमने डाइजेस्ट किया उसी के तहत हमारा क्वेश्चन है कि 5009% डिवेंचर 800 है, कितना है जनरेटिव बोला फॉलोइंग केसेस, बहुत सारे केसेस है, 5 केसेस है। पहला केस बोला है डिवेंचर इशू के राइट पार है, बाद में क्या है पहले प्रीमियम, बाद में क्या है
पहले डिस्को बाद में क्या है, पहले एड पर बाद में क्या है, पहले डिस्को बाद में क्या है। तो इस कंडीशन के तहत जैसे जैसे प्रोसेस इंटीग्रल है वैसे इंटीग्रेंगे, अगर आगे पीछे हो तो भी इंटीग्रेंगे भाई। कंडीशन तो सबसे पहले बोला है कि ले रहे हैं एड पर, दे रहे भी कितना है, तो पता करेंगे कि 9% डिवेंचर में टोटल लोन कितना है मेरा, तो 5000 डिवेंचर है, कितना रेट है, तो ये हो गया 5 लाख। कितना हो गया सर, कितना हो गया सर, आया ना तो दिक्कत। अब 5 लाख पे ही सारा खिला है, सारा खिला किस पे सर, तो पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर को, 5 लाख डेबिट और 5 लाख आए। दूसरा बार बोला है प्रीमियम में बाद में एड पर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी, यहां लिखेंगे 5 लाख प्रीमियम है 10%, 50,000 5 लाख है ना। तीसरा हमारा है कि डिस्काउंट बाद में क्या है, तो बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन लिखेंगे 5 लाख, कितना लिखेंगे बट डिस्काउंट हुआ कितना परसेंट निकला, 50,000 ये होगा 5 लाख 50,000। अगला हमारा बोला है डिवेंचर एट पार इक्विवेलेंट एट प्रीमियम है, पहले पार है प्रीमियम, तो इसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, करना कुछ नहीं है, यहां पे लिखेंगे 5,000 इंटू 100 ये हुआ 5 लाख, कितना हुआ सर, प्रीमियम दिया है 10%, कितना परसेंट ये निकला 50,000। तो नियम होता है कि जब प्रीमियम बाद में हो, पार हो और प्रीमियम बाद में हो, तो जितना प्रीमियम निकलेगा वही लॉस में जाए, कितना जाए 50,000, ये बचा 5 लाख, कितना बचा 5,000। अगला हमारा बोला है डिस्काउंट भी और प्रीमियम भी है, डिस्काउंट भी है, एंट्री सेम करेंगे, एंट्री खाली अमाउंट पुट करेंगे कंडीशन के आधार पर, तो बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ, कैसे पुट करेंगे, यहां लिखेंगे 5 लाख, प्रीमियम दिया है 5%, पहले प्रीमियम निकलेगा तो निकलेगा 25,000, कितना आएगा, अब लॉस में पुट करना है तो उस कंडीशन में डिस्काउंट में दोनों जोड़ देंगे, तो 10 से 5 कितना हो गया, तो 10 प्लस 5 15, तो 5 लाख का 15% होता है 75,000, कितना होता है, अब बैलेंस करेंगे निकलेगा 4,50,000, 4 लाख। तो ये प्रोसेस इंटरव्यू आते हैं, इस प्रोसेस के तहत आपका 20 मार्क्स क्वेश्चन फिक्स है और 12th में आपका 8 क्वेश्चन फिक्स है, सेम क्वेश्चन सेम फंडा सेम कंडीशन। तो इसके तहत हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको आप देख लीजिएगा बार बार, दिक्कत नहीं होगा।